दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा कि अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज्यादा छक्के किस किसने लगाए हैं। तो ऐसे छह बल्लेबाजों के नाम बताऊंगा जो कि सिर्फ छक्के ही नहीं लगाए हैं, अपने अपने देश के लिए बहुत बड़ी बड़ी उपलब्धियां हासिल की है और वो विस्फोटक बल्लेबाज भी है। कई अपने 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 देश के लिए वर्ल्ड कप भी जिता चुके हैं, चाहे वो T20 वर्ल्ड कप हो या ODI मेंस वर्ल्ड कप हो। टॉप सिक्स जो बल्लेबाज है, जो उसमें जो सबसे ज्यादा छक्के मारने में जो छठे नंबर पे है वो है महेंद्र सिंह धोनी, जिन्होंने 538 मैचों में 359 छक्के मारे हैं। महेंद्र सिंह धोनी को हम सब जानते हैं, जो कि भारत के एक महान कप्तान रह चुके हैं, जिनके कप्तानी में सारी ट्रॉफी आए हैं, चाहे वो T20 वर्ल्ड कप हो या ODI वर्ल्ड कप हो या चैंपियन ट्रॉफी हो या अपने टीम के लिए उन्होंने IPL जिताया हो। पांचवें नंबर पर है न्यूजीलैंड के ग्रेट बैट्समैन ओपनर मार्टिन गुप्टिल, जिन्होंने 367 मैचों में 383 छक्के मारे हैं। चौथे नंबर पर न्यूजीलैंड के महान कीपर, महान ओपनर ब्रेंडन मैक्कुलम, जो कि छक्कों की बारिश कर देते थे और आगे बढ़ के छक्के मारने का उनका एक अलग ही यूनिक स्टाइल था, जो कि दुनिया के बहुत ही कम बल्लेबाजों में वो टैलेंट दिखता है और या दिखता था। ब्रेंडन मैक्कुलम ने 432 मैचों में 398 छक्के मारे हैं। तीसरे नंबर पर है पाकिस्तान के शाहिद अफरीदी, ऑलराउंडर जिन्होंने बॉलिंग और बल्लेबाजी से सबको प्रभावित किया है अपने पूरे करियर में। इनका लंबा चौड़ा करियर रहा है, 1996 से लेके करीब करीब 2015 तक 16 तक खेला उन्होंने। करीब ये बोल सकते हो कि उन्होंने करीब उनका जो करियर रहा है 20 से 22 साल का लंबा करियर रहा है, जिस बीच उन्होंने कई सारे वर्ल्ड कप खेले हैं, कई सारे T20 वर्ल्ड कप खेले हैं, चैंपियन ट्रॉफी खेले हैं, कई बड़े टूर्नामेंट खेले हैं। कई जगह उनको सफलता मिली है तो कई जगह उनको विफलता भी मिली है। और उनकी खासियत थी कि वो जब तक वो रहते थे चौके छक्के मारते रहते थे और उनका स्ट्राइक रेट हमेशा 100 से ऊपर ही रहता था। जो तीसरे नंबर पर है शाहिद अफरीदी, जिन्होंने 524 मैचों में 476 छक्के मारे हैं। और शाहिद अफरीदी जो कि इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर है। दूसरे नंबर पर गैस कीजिए कौन है। यूनिवर्सल बॉस क्रिस्टोफर हेनरी गेल, यानी कि क्रिस गेल, वेस्ट इंडीज के ताबड़तोड़ धुआंधार बल्लेबाज, जो कि T20 फॉर्मेट के लिए विख्यात है पूरी दुनिया में। ऐसा कोई देश नहीं जहां पे उन्होंने कोई भी लीग ना खेला हो, हर देश में हर लीग खेलते हैं, हर T20 मैच ज्यादातर खेलते हैं। और उनके नाम है अंतरराष्ट्रीय मैचों में 483 मैचों में 553 छक्के। जी हाँ, 553 छक्के अपने आप में एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है। और नंबर वन पे है रोहित शर्मा के नाम, जिन्होंने अभी हाल ही में देखिए आयरलैंड के साथ मैच हुआ और अर्धशतकीय की पारी खेली, उसमें उनके दो छक्के थे और उसी दो छक्कों के साथ उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 600 छक्के पूरे किए और इसी के साथ उन सबसे ज्यादा छक्के हैं। रोहित शर्मा के नाम है 473 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में 600 अंतर्राष्ट्रीय छक्के हैं, जो कि कोई भी बल्लेबाज उनके आस पास भी नहीं है। और अभी भी मुझे लगता है कि उनके नाम बहुत सारे छक्के आने वाले हैं, वो अभी भी 2-3 साल 4 साल खेलेंगे, ये मुझे भरोसा है और यकीन भी है। और सेकंड नंबर पे क्रिस गेल, जो कि काफी पीछे रह चुके हैं, और तीसरे चौथे पांचवें नंबर वाले भी सब संन्यास ले चुके हैं। तो अभी नंबर वन पर रोहित शर्मा, जिनके नाम अभी 600 छक्के हैं और आने वाले समय में भी अंतर्राष्ट्रीय छक्के और ऐड करेंगे। तो आप बताइए कि नंबर वन पे कितने छक्के पे वो फिनिश करेंगे अपने करियर के एंड तक। अगर मैं गेस करूं तो करीब करीब 700 छक्के वो लगा देंगे वो, जब तक वो संन्यास ले लेंगे, ये मेरा भरोसा है और मेरा दावा भी है। तो ये था एक छोटा सा अपडेट, और ऐसे ही मजेदार अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहिए। और तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।